हेलो, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को अलग-अलग स्टाइल से अलग-अलग तरह की डिशेस बनाना सिखा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और मुझे मेरी रेसिपीज़ देख के आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आज आपको गाजर का मुरब्बा बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 5 किलो गाजर ली, फिर उनको अच्छे से छीलकर धोकर काट लिया, उनके दो दो पीस कर लिए। और उसके बाद हमने एक पतीले में, स्टील के पतीले में उनको डाल लिया। अब हम इसमें 1 किलो चीनी डालते हैं ऐसे ही, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना आपको। आप देख सकते हो हमने चीनी को ऐसे ही सूखा डाल रहे हैं। मतलब तकरीबन दोस्तों 5 किलो गाजर ली थी हमने, और छीलने के बाद तकरीबन 4 किलो जितनी रह जाती हैं, तो इसमें हम 1 किलो चीनी डाल रहे हैं। ये हमारी 1 किलो चीनी डल गई है। दोस्तों, अब हमने जिस पतीले में गाजर और चीनी डाली थी उसको गैस के फ्लेम को कम करके हमने ऊपर चढ़ा दिया है, और हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे, तो कि जो हमारा गाजर का जूस है और चीनी है वो अच्छे से गाजर का जूस चीनी को मेल्ट कर देगा। और इसमें आप इस इतना ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। आपको ना तो गैस के फ्लेम को तेज़ ही करना है, और आप बीच बीच में से थोड़ा देख लेना, और इसको फोक के सहारे इसको थोड़ा थोड़ा गाजर को दबाते भी रहना। दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है। अब हम पतीले का ढक्कन उतार के, प्लेट उतार के गाजर चेक करते हैं। ओ, देखो दोस्तों, ये हमारी चाशनी बन गई है, और हमने अब ये चीनी हमारी अच्छी तरह घुल चुकी है। इसमें दोस्तों हमने बाहर से बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, ये सिर्फ गाजर के जूस और चीनी का ही लिक्विड है। दोस्तों, अब हम आप देख सकते हो हमारी ये चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को तेज़ कर देते हैं, ढक्कन को भी उतार देते हैं। और दोस्तों, जब भी आपने गाजर को चेक करना है, फोक के साथ ही करना है। हमारा मुरब्बा बनके तैयार होने वाला है। आप ये देख सकते हो कि अब फोक इसमें अपने आप जा रहा है। थोड़ा सा और होने के बाद ये देखो, बीच बीच में आपकी गाजर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये जो हमारी चाशनी है ये भी थोड़ी थिक होने लग गई है। दोस्तों, 5-7 मिनट में आपका ये मुरब्बा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हमने प्लेट उतारने के बाद इसको कम से कम 1 घंटे के लिए फुल फ्लेम पे पकाया है। आप देख सकते हो ये हमारी गाजर रेडी है। अब इसको 5-7 मिनट में हम लोग गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। दोस्तों, हमारा ये गाजर का मुरब्बा बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको जार में भर देना। और ठंडा होने पर जो इसका चाशनी है ये आप देख सकते हो, तो वो भी इसमें ही डाल देना। आप ये गाजर के मुरब्बे की रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी गाजर।